पिछले वीडियो में हमने फ्रेमो टैंकर पर सिंगल ग्रेड के कार्गो का लोडिंग और डिस्चार्जिंग का पाइपलाइन सिस्टम और वाल्व अलाइनमेंट को समझा था, जिसका वीडियो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में डबल ग्रेड के कार्गो का लोडिंग डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया और वाल्व अलाइनमेंट को समझेंगे। साथ ही सभी अलग अलग टैंकों में अलग अलग तरह के कार्गो के लोडिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस पर भी फोकस किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। सपोज करें कि दो ग्रेड के कार्गो लोड करने हैं, एक डीजल और दूसरा पेट्रोल, HSD एंड MS टाइप। डीजल ज़्यादा लोड करना है और पेट्रोल कम, तो एक और चार नंबर टैंक में पेट्रोल और दो तीन पाँच और छः नंबर में डीजल लोड करना है और स्लोप टैंक में कुछ भी लोड नहीं करना है। तो इसके लिए पाइपलाइन और वाल्व अलाइनमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले एक और चार नंबर टैंक में पेट्रोल लोड करने का लाइनअप करना है। तो लाइनअप करने के लिए मैनिफोल्ड पर लाइन नंबर एक या फिर चार में सोर का होज कनेक्शन के हिसाब से रिड्यूसिंग फ्लेंज लगा देंगे। चलो माना कि लाइन नंबर एक में रिड्यूसिंग फ्लेंज लगा दिया गया है, अब यहीं से पेट्रोल लोड करना है। अब इसका मैनिफोल्ड वाल्व अभी बंद ही रहेगा, जब लोडिंग स्टार्ट होगा तभी खुलेगा। इसका मेन क्रॉसओवर वाल्व हमेशा बंद ही रहेगा, और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए चाहें तो इस लाइन को यहाँ पे ब्लैंक कर सकते हैं। इसी तरह के डबल ग्रेड कार्गो बारंबार लोड करना हो तो उसे ब्लैंक ही कर देना ज़्यादा बेहतर होगा। अब चार नंबर का मैनिफोल्ड वाल्व और मेन क्रॉसओवर वाल्व हमेशा बंद रहेगा, चाहे तो चार नंबर के मेन क्रॉसओवर लाइन को भी ब्लैंक कर देंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब चार नंबर के मास्टर वाल्व को फुली शट रखेंगे, इसका एक्स क्रॉसओवर वाल्व फुली ओपन रहेगा, दोनों डिस्चार्ज वाल्व बंद रहेगा और दोनों ड्रॉप वाल्व खुला रहेगा। अब एक नंबर का मास्टर वाल्व और एक्स क्रॉसओवर वाल्व खुला रहेगा, उसका दोनों डिस्चार्ज वाल्व बंद और ड्रॉप वाल्व खुला रहेगा। अब इस एक और चार नंबर टैंकों को मास्टराइजर से आइसोलेट करके PV वाल्व से इसके प्रेशर को मेंटेन रखेंगे, क्योंकि दो ग्रेड के कार्गो का फ्यूम जब एक साथ मिक्स होगा तो ब्लास्ट होने की संभावना बन जाती है। इन दोनों टैंकों को मास्टराइजर से आइसोलेट करने के लिए इन दोनों टैंकों के पोर्ट और स्टारबोर्ड के ब्रांचाइजी वाल्व को पूरी तरह से बंद रखेंगे। वैसे कुछ देशों में इस प्रदूषित फ्यूम्स को वातावरण में छोड़ना बैन है, उसके मैनिफोल्ड पे वेपर लाइन से एक होज कनेक्ट करके शोर को दे दिया जाता है। बाकी पोर्ट साइड के मैनिफोल्ड वाल्व, ड्रेन वाल्व और मार्पोल लाइन वाल्व बंद ही रहेगा, और स्टारबोर्ड साइड के मैनिफोल्ड के सारे वाल्व ऑलरेडी बंद ही रहेंगे। अब जब पेट्रोल लोड होने को होगा तो मैनिफोल्ड वाल्व खुलेगा, इसका क्रॉसओवर वाल्व बंद होने के कारण पेट्रोल मेन क्रॉसओवर लाइन में नहीं जाएगा। एक नंबर के मेन लाइन से होते हुए यह एक नंबर के दोनों टैंकों में भरने लगेगा। इसका एक्स क्रॉसओवर वाल्व खुला है तो पेट्रोल एक्स क्रॉसओवर लाइन में भरने लगेगा। अब इधर आते हुए चार नंबर का एक्स क्रॉसओवर खुला है और मास्टर वाल्व बंद है, तो यह पेट्रोल ऐसे आते हुए चार नंबर के दोनों टैंकों को भरने लगेगा। अब डीजल लोडिंग के लिए दो तीन पाँच और छः किसी एक में होज कनेक्ट होगा। माना कि लाइन नंबर तीन में होज कनेक्ट हुआ है डीजल लोडिंग के लिए, तो लोडिंग शुरू होने पर इसका मैनिफोल्ड वाल्व खुलेगा, एक और चार का मेन क्रॉसओवर वाल्व बंद रहेगा या ब्लैंक फ्लेंज लगा रहेगा। दो तीन पाँच और छः का मेन क्रॉसओवर वाल्व खुला रहेगा, केवल एक और चार का एक्स क्रॉसओवर वाल्व खुला रहेगा, बाकी दो तीन पाँच और छः का बंद रहेगा या फिर ब्लैंक फ्लेंज लगा हुआ होगा। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं उसमें ब्लैंक फ्लेंज लगा के लाइन को
ब्लैंक किया गया है। अब सभी लाइन के मास्टर वाल्व और ड्रॉप वाल्व खुले रहेंगे, केवल स्लोप टैंक लाइन के सभी वाल्व बंद रहेगा क्योंकि उसमें लोडिंग नहीं करना है। 2, 3, 5 और 6 के ब्रांच आईजी वाल्व खुले रहेंगे। अब जब डीजल लोड होने को होगा तो मैनिफोल्ड वाल्व खुलेगा। डीजल यहाँ से दो जगह विभक्त हो जाएगा, पहला यह 3 नंबर के मेन लाइन से होते हुए 3 नंबर के टैंक में भरने लगेगा। एक्स क्रॉसओवर वाल्व ब्लैंक्ड है तो इधर कार्गो जा ही नहीं सकता। दूसरा यह इधर से होते हुए मेन क्रॉसओवर लाइन में भरेगा और यहाँ से जिनके जिनके क्रॉसओवर वाल्व खुले हैं उनके टैंकों में डीजल भरने लगेगा, सेम वैसे ही जैसे 3 नंबर टैंक में भर रहा है। बाकी लिस्ट और ट्रिम के हिसाब से किन टैंकों में कार्गो पहले भरना है, किसमें बाद में भरना है, किसमें कितना तक भरना है, ये सब लोडिंग के समय उसके ड्राफ्ट मास्टर या क्रॉसओवर वाल्व को खोल या बंद करके एडजस्ट करते रहेंगे। बीच बीच में पीवी वाल्व का उठना गिरना, मास्टराइजर को कितना परसेंट खोलना या बंद करना चलता रहता है। अब ये पाइपलाइन और वाल्व का अलाइनमेंट जैसा है वैसे ही कार्गो के डिस्चार्जिंग टाइम में भी रहेगा। बस चेंजिंग ये रहेगा कि लोडिंग टाइम में ड्रॉप वाल्व खुला रहता है और डिस्चार्ज वाल्व बंद रहता है, लेकिन डिस्चार्ज टाइम में ड्रॉप वाल्व बंद रहेगा और डिस्चार्ज वाल्व खुला रहेगा। अब डिस्चार्जिंग करने पर कार्गो का फ्लो कुछ इस तरह से जाएगा। ये तो था 2 तरह के कार्गो लोड करने के लिए वाल्व का लाइनअप, लेकिन अगर 6 तरह के कार्गो लोड करने को, यानी सभी टैंकों में अलग अलग तरह के कार्गो लोड करना हो, तो सभी टैंकों के मेन लाइन के मैनिफोल्ड पर अपना अपना होज कनेक्ट होगा। सबके मैनिफोल्ड वाल्व खुलेंगे, सबके मेन क्रॉसओवर वाल्व और एक्स क्रॉसओवर वाल्व ब्लैंक रहेगा, सबके मास्टर वाल्व खुले रहेंगे, सबके डिस्चार्ज वाल्व बंद और ड्रॉप वाल्व खुले रहेंगे, सबके ब्रांच आईजी वाल्व बंद रहेंगे और पीवी वाल्व खुले रहेंगे, या फिर किसी एक ब्रांच आईजी वाल्व खुले रहेंगे और बाकी सबके बंद रहेंगे। अब अलग अलग टाइप के कार्गो कुछ इस तरह उन टैंकों में आकर भरने लगेगा और इसके डिस्चार्जिंग में भी वाल लाइनअप सेम रहेगा, बस सबके ड्रॉप वाल बंद और डिस्चार्ज वाल खुले रहेंगे। वैसे लोडिंग डिस्चार्जिंग के समय कैसे अलेज लेते हैं और कैसे स्ट्रिपिंग करते हैं, इसका प्रॉपर वीडियो इसी चैनल पर अपलोडेड है, जिसका वीडियो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।